हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे गोम फेरना प्लांट के बारे में बात करूंगी। तब तक आपको अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे 9 o'clock और पर्सलेन बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं। देखो, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। कई कलर में है, रेड, पिंक, पीच, येलो, वाइट, मजेंटा। जल्दी जल्दी आपको मैं कुछ फ्लावर्स अपने दिखा देती हूँ खिले हुए। ये देखिए हिबिस्कस, इस पर डेली कम से कम 4 या 5 फ्लावर्स आते ही रहते हैं और पूरा प्लांट मेरा कलियों से भरा हुआ है। ये देखिए, जल्दी जल्दी मैं आपको एक लुक दे देती हूँ अपने गार्डन का। ये देखिए, ये फ्लावर्स देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो हैं, और ये समर और रेनी सीजन में तो बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। बस ये देखिए, ये जट रूपा, इसको सुंदर रूपा भी बोलते हैं, और ये मेरी कोचिया, और इधर ये, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। पूरी बगिया में ये सबसे ज्यादा खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इनका लुक देखने में, रंग बिरंगे। ये देखिए, और इधर भी हैं ये। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी क्यूट सी डॉल प्लांटर, ये भी पर्सलेन चाइनीज और चाइनीज मॉस रोज और पर्सलेन दोनों। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये टायर प्लांटर में बिल्कुल बेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये गोम फेरना प्लांट है, और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। समर और रेनी सीजन में खूब इसमें भर भर के फूल आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स। ये देखिए, गोल गोल छोटे छोटे ग्लोब की तरह। तो और इसके फ्लावर्स बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, और मेरे गार्डन में तो ये करीब 1-1.5 महीने हो गए इनको खिलते खिलते, और ज़्यादा ही। अब तो इनकी नीचे की टिप ब्राउन ब्राउन सी होने लगी है। तो जब ये पूरा सूख जाएगी तो इसमें ये इसके सीड हो जाएंगे। देखिए, मेरे पास ये 3-4 प्लांट हैं। एक प्लांट मेरा ख़राब हो गया ओवर वाटरिंग से। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, बहुत ही हार्डी प्लांट है, समर का प्लांट है। समर और रेनी सीजन में खूब इसमें फ्लावर आते हैं। हमारे यहाँ 1 अक्टूबर-1 नवंबर तक खूब फ्लावर आएंगे इसमें, और इजी टू ग्रो, कोई इसकी ज़्यादा खास केयर नहीं करनी पड़ती। इसमें 3-4 कलर आते हैं, जैसे कि मेरे पास ये डार्क पर्पल, ये तो बहुत ही कॉमन कलर है, और इसमें एक वाइट, पिंक, रेड, ये कलर भी आते हैं। ये मुझे मिले नहीं हैं, मैंने भी इसको सीड से ग्रो किया था
मार्च में मैंने इसको सीड से ग्रो किया था, दो ढाई महीने में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। और आप चाहो तो आप जून जुलाई में भी इसको ग्रो कर सकते हो सीड से, या फिर इसकी एक छोटी सी कटिंग आप ले लीजिए, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। मिट्टी में लगा दीजिए और शैमी शेड में रख दीजिए, तब तक उसमें रूट ना बने। फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे मॉर्निंग की सनलाइट में निकालिए। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो कैसे भी मिट्टी में चल जाता है। वैसे तो ये ग्राउंड में भी लगाते हैं बहुत से, तो ग्राउंड कवर के लिए वहाँ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और अगर हम इसको पॉट में लगा रहे हैं तो उसकी बेलड्रेन मिट्टी ही बनाएं, जैसे कि बाकी प्लांट्स में बनाते हैं। तो वन पार्ट सैंड और वन पार्ट गार्डन सॉयल और वन पार्ट कंपोस्ट, सैंड जिसको बजरी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे तीनों का मिक्सचर तैयार करके हम इसका पॉट में इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। तो वो मिट्टी हमारी बेलड्रेन भी रहती है और उसमें पानी भी खड़ा नहीं होता, जो कि प्लांट के लिए अच्छी रहती है। तो ऐसे ही, और इसको जैसे कि ये समर और रेनी सीजन का प्लांट है, तो इसको आप फुल धूप में रखें, करीब 4 या 5 घंटे की सनलाइट तो इसको मिलनी चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही इसमें अच्छे से निकल के फिर फ्लावर्स भी आएंगे। मेरे इसमें एक तो ये प्लांट है, ये बहुत ही बड़ा, और इसकी इधर उधर ये टहनियाँ हो गई हैं, और एक इसमें ये छोटा सा प्लांट है, ये अभी छोटा है, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी फ्लावर्स आए हुए हैं। ये इसको मैं सोच रही हूँ इसको अलग कर लूँ, देखूँगी, या तो फिर इसी में लगे रहने दूँगी। और एक प्लांट मेरा ये है इसमें, तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके फ्लावर्स देखने में। इसको कई जगह सुपारी प्लांट भी बोलते हैं और भगवान को दीपावली पर इसकी माला भी बना के चढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, तो आप इसको कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट दें, बेलड्रेन मिट्टी में लगाएं। और पेस्ट अटैक तो इस पर होता ही नहीं है, मेरे प्लांट पर तो नहीं हुआ अभी तक, बस ऐसे ही ये चलता रहता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो। और फर्टिलाइजर की भी इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जब हम मिट्टी इसकी तैयार करते हैं तो अब इसमें खूब ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन रिच काउडंग फर्टिलाइजर, इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। तो आप इसको ऐसे फर्टिलाइजर दें, और वैसे इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहता है। जब हम बाकी प्लांट में देते हैं तो इसको भी दे देते हैं, और बस इसकी कोई ऐसी खास केयर है नहीं, बहुत ही इजी टू ग्रो आपके गार्डन में चलता रहता है। और वाटरिंग इसमें इसकी देख लें, टॉप लेयर जब इसकी सूख जाए थोड़ी सी, बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, तब इसको पानी दें आप। ज़्यादा ओवर वाटरिंग से तो फिर ये प्लांट डेड हो जाएगा, और ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें आप। तो बस यही इसकी केयर है। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्लांट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।